राजू ठेठ हत्याकांड मामले का आज दूसरा दिन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। भारी पुलिस बल यहाँ पे मौजूद है। हालांकि राजस्थान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हो चुकी है। 505 आरोपी इन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। आपको बता दें कि दो आरोपी रात को गिरफ्तार किए गए थे, बाकी बचे तीनों आरोपियों को अल सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। और कुछ ही देर में राजस्थान पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार से हथियारों से लैस थे बदमाश और उनको किस प्रकार से टीम ने दबिश दे के गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी के लिए कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, उससे पता चलेगा। हालांकि धरना यहाँ पे जारी है। पीड़ित परिवारजनों से मिलने के लिए कई नेता भी पहुँच रहे हैं। राजस्थान के तमाम भाजपा नेता भी यहाँ पे मौके पर मौजूद है। हालांकि राजस्थान लाडनू के विधायक मुकेश भाकर व निर्मल चौधरी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने धरना देकर धरना स्थल की शुरुआत कर दी थी। कल ही मोर्चरी के बाहर इन्होंने धरना दे दिया था। अब इनके पीड़ित परिवारों से जो भी इनकी मांग है वो मानी जाए, ये इनकी प्रमुख मांग में से एक मांग तो पूरी हो गई कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो, वो इनका जो मांग पूरी हो चुकी है। हालांकि और भी इनकी मांगें हैं कि जो ताराचंद जी जो बेगुनाह थे, उनका कोई कसूर नहीं था, उन्होंने बदमाशों ने गोलियों से उनको भून डाला। तो ऐसे में उनका कहना है कि उनकी बेटी को सरकारी नौकरी दी जाए, उनके जो परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और राजू ठेठ के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तस्वीरों के माध्यम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हजारों हजार युवा यहाँ पे मौजूद है जो राजू ठेठ हत्याकांड मामले में आए हैं धरने के लिए। और यहाँ इनकी प्रमुख मांगे हैं वो सरकार से, और अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी इनसे मिलने नहीं पहुँचा है। ये इनको लेकर भारी यहाँ पे आक्रोशित युवा यहाँ पे आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। हालांकि पुलिस बल यहाँ पे मौके पर मौजूद है और पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिल चुकी है। 505 आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो राजस्थान पुलिस की ये बड़ी कामयाबी कही जाएगी। सूत्रों के हवाले से अभी खबर आ रही है कि नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल भी धरने स्थल पर 1 बजे तक पहुंच रहे हैं और वो पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दूँ कि राजू ठेठ जिनकी शनिवार अल सुबह गोलियों से भून कर हत्या कर दी गई थी, 4 और 5 शूटर आए और उन्होंने उनके बैल बजाई, जब वो बाहर निकले तो उनको गोलियों से भून डाला। ऐसे में वापस भाग रहे थे तो ताराचंद जी को भी उन्होंने गोली मार दी।